चलिए, अब हमें ये तो पता चल गया कि एल्गोरिदम क्या है और फ्लो चार्ट क्या है, और दोनों की हमने थ्योरी ढंग से समझ भी ली। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं ताकि हमें पता चले कि एग्जैक्टली इन्हें यूज़ कैसे करना है और ये एग्जैक्टली यूज़ होते कैसे हैं और कहाँ होते हैं। तो आइए, हम आज दो एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं कि एक कंप्यूटर एक नंबर का स्क्वायर कैसे निकालेगा। एक नंबर का स्क्वायर मतलब वो नंबर मल्टीप्लाइड बाय दैट नंबर अगेन। तो आज हम इसका दोनों एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट बनाएंगे। शुरू करते हैं एल्गोरिदम के साथ। तो अगर कोई हमें इसका एल्गोरिदम लिखने के लिए दे दे तो हम क्या करेंगे? स्टेप वन क्या होगा इसके अंदर? क्या होगा स्टेप वन? मल्टीप्लाई द नंबर बाय इटसेल्फ। और इसका अगला स्टेप क्या होगा? डिस्प्ले द आउटपुट। जो अब हमने नंबर को मल्टीप्लाई अपने आप से करके जो हमने एक वैल्यू निकाली है, अब हमें उसे डिस्प्ले भी करना पड़ेगा। मैं जानता हूं कि आपको लग रहा होगा कि नंबर को हमने अपने साथ मल्टीप्लाई कर दिया और स्क्वायर निकाल भी दिया, तो ये सेकंड स्टेप आ क्यों रहा है? ये हमें आउटपुट डिस्प्ले क्यों करवाना पड़ रहा है? क्योंकि जब मैं अपने हाथों से पेन और पेपर से करता हूँ मल्टीप्लिकेशन, तो उसके अंदर तो कभी भी मुझे ये नहीं करना पड़ता अलग से डिस्प्ले द आउटपुट। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि जब हम किसी भी कैलकुलेशन को परफॉर्म करते हैं तो हम जो हम लिखते हैं, जो हम अब पेपर पे या किसी बोर्ड पर या कहीं पे भी लिखते हैं, वो एक्चुअली यही होता है डिस्प्ले द आउटपुट। हम अपने दिमाग से उसकी इमेज निकालकर अपने हाथों के थ्रू एक पेन से लिख रहे हैं डिस्प्ले द आउटपुट। अब कंप्यूटर को भी यही करना पड़ता है, अपने सीपीयू से जो उसने वैल्यू कैलकुलेट करी है दो नंबर को मल्टीप्लाई कर कर, उसे भी वो मॉनिटर पे दिखानी पड़ेगी और उसी स्टेप को हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। इसीलिए डिस्प्ले द आउटपुट, ये स्टेप थोड़ा आपको अटपटा लगेगा, बट थोड़ा सोचिए आपको समझ आएगा क्यों हमने इस स्टेप को अलग से लिखा है। तो अब हम अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं।